और इंडियाबुल्स वेंचर्स के मानव चोपड़ा मेरे साथ जुड़ते हुए। मानव हाय, गुड आफ्टरनून, क्या कर रहे हो निफ्टी पर? देखिए सेटअप डेफिनेटली काफी वीक है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात यह देखने वाली है कि जैसे वीकली और मंथली सपोर्ट डिसाइसिवली ब्रेक हुए हैं, कोई रिस्पाइट नहीं देखने मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू नो बायर्स नहीं आ रहे हैं इवन एट लोअर लेवल्स इन स्पाइट ऑफ एन इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन। एंड जिस तरह निफ्टी ने अभी अपना 100 ईएमए भी ब्रीच किया, आई थिंक कहीं ना कहीं ये वीकनेस बरकरार रह सकती है, तो उसके चलते सेल ऑन राइज की भी स्ट्रेटेजी बना के चलिए। ऑन द इमीडिएट बेसिस आई थिंक 10,850 तक के हम लोअर साइड में टारगेट्स देख सकते हैं। एंड अपसाइड जो हमने स्टॉप लॉस दिया था वो करीब 11,150 का है, उसको आप रिवाइज करके 11,100 तक नीचे मिला सकते हैं। प्रेशर माउंट हो रहा है, ठीक बात। 11,100 के स्टॉप के साथ बिकवाली करने के यहाँ पे मौके होंगे इस लेवल से। अच्छा 10,850 मतलब आप मोटा मोटी मान रहे हैं जो फ्राइडे के पैनिक लोस था वो उसी तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे, है ना? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ऐसे यूजली जिस तरह का स्पाइक रिवर्सल हमने देखा है, कोई फॉलो ऑन मूव नहीं आया, तो उसके चलते आई थिंक लोस टेस्ट जरूर हो सकते हैं। ओके बिल्कुल ठीक बात। चलिए तो मैं लौटूंगा मानव के पास, उनको उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बातचीत करूंगा। लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव साहब जुड़ते हुए। सर्वेंद्र जी, ये अच्छा खासा प्रेशर माउंट हो रहा है, बेच डाल तो कई हफ्तों से कॉल दे रहे हैं और हमारे टारगेट आने की तैयारी है, जो लार्जर मीडियम टर्म टारगेट थे उनके आसपास ये पहुंच रहा है। तो आई थिंक मैं तो 3-4 हफ्तों से सेली दे रहा था, अभी भी एक छोटा सेली बनता है, बट मोर ऑर लेस आई थिंक 10,850-10,900 के आसपास बाजार को सपोर्ट भी आएंगे। तो अभी फिलहाल जब तक वो लेवल नहीं टूटते उससे नीचे सोचना गलत होगा। तो मैं अपने कई हफ्तों के कॉल्स को कैरी फॉरवर्ड करूंगा और बोलूंगा कि 10,900-10,950 के टारगेट के लिए खड़े रह ले। जब हमने ग्राफिक्स बनाए थे वहां से थोड़ा ज्यादा, वहां से 30-40 पॉइंट और गिर गया है, तो मैं टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ। 10,900-10,950 के टारगेट रखे, उससे ज्यादा नीचे अभी फिलहाल ना सोचे ऐसा मेरा मानना है। और 11,103.60 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक बाउंस भी आएगा। पर मूड बिकवाली का ही रहेगा, बाउंस में बिकवाली करने के मौके ढूंढेंगे, है ना? जी बिल्कुल। हमने तो इसी की कवायद की है लास्ट कई हफ्तों से, हम सेल बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो हम तो सबको आगाह भी कर रहे थे कि ये कॉल आना था और अभी आ रहा है और ये थोड़ा गहरा भी सकता है, बट एक छोटा बाउंस देके गहराएगा या सीधा गहराएगा ये कहना मुश्किल है। बट ये बाउंस गहरा, ये वीकनेस गहराएगी और ये तकरीबन दिवाली तक चलेगी। दिवाली के पहले बड़ा बॉटम बनना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो ये जो इवेंचुअली जब ये वीकनेस गहराएगी, एक बाउंस शायद आता हुआ नजर आया, तो इस समय 10,910 के टारगेट्स हैं, लेकिन जब इवेंचुअली प्रेशर आएगा तो कहां तक लेवल्स आप देख रहे हैं गिरते हुए? देखिए इवन ईयर साइकिल्स की जब हमने बात की थी, हमने आपके चैनल पे साल के स्टार्ट में बात की थी, इवन ईयर साइकिल्स में जब बाजार गिरता है तो हाई से मिनिमम 25% गिरता है, तो उस हिसाब से तो अभी हम कहीं आए नहीं है, काफी कुछ बाकी है। आई थिंक जून तक भी फॉल्स चल सकते हैं, बट फिलहाल दिवाली की साइकिल पकड़ के चल रहे हैं और आई थिंक 500-600 पॉइंट निफ्टी और मिनिमम अगर 10,800 तोड़ देगा तो आई थिंक 10,300-10,200 के स्तर भी दिखाएगा दिवाली तक। ठीक है, कह रहे हैं 10,500 के लेवल, तो देखिए 10,300 की बात कर रहे हैं करते हुए, तो थोड़ा कॉशियस रहना है। बाउंस शायद आए भी, लेकिन बाउंस में भी बिकवाली करने के मौके होंगे, टेक्सचर बिगड़ चुका है, बिकवाली करने के हमें इस बाजार में मौके ढूंढने हैं। और फाइनली डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च डॉट कॉम के मनीष शर्मा साहब जुड़ते हुए। मनीष जी गुड आफ्टरनून, क्या करूं निफ्टी पर? जी 11,000 के पुट में मैक्सिमम ओपन टेस्ट है और 11,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम जरूर करेगा, सो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रा कॉल रहेगा। 11,000 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राह होगी और 11,150-11,200 तक के टारगेट होंगे टिल द एक्सपायरी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है। 11,000 में तो हम खड़े हुए इस समय एग्जैक्टली, क्योंकि निफ्टी बैंक में दबाव बढ़ता हुआ 2% की कमजोरी के साथ, ध्यान रखें 500 पॉइंट का दबाव 25,100 के लेवल पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। तो मनीष ऐसे में स्टॉप लॉस नीचे करो या आप ही रुको थोड़ा खरीदारी के लिए? स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आप कर सकते हैं क्योंकि 11,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, सो यहाँ से एक पुल बैक आना मुझे लगता है यहाँ से आ सकता है। ठीक बात। सर मैं यही कह रहे थे तगड़ा प्रेशर आएगा तो शायद एक माइनर पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो वही मनीष भी कहते हैं उस पुल बैक के लिए प्ले करना चाहेंगे, वो एक कॉन्ट्राबेट लेना चाहेंगे बाजार में, इन लेवल्स के आसपास आप खरीद सकते हैं, 11,000 एक इंपॉर्टेंट स्टार हो सकता है, तो थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाए और इंट्राडे में कुछ बाउंस की एंटिसिपेट एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है, लेकिन मोटा मोटी मन बिकवाली का ही बनना है, ध्यान रखना है उस बात का। तमाम एक्सपर्ट इस बात को हाईलाइट करते हुए कि थोड़ी सी दिक्कतें लग रही है बाजार में, माइनर पुल बैक आया तो आया, अदरवाइज ये प्रेशर और माउंट होता हुआ नजर आएगा इस बीच का। अच्छा निफ्टी बैंक पे कॉल ले लूं पहले, क्योंकि वहीं पे वो प्रेशर देखिए, प्रोड्यूसर साहब ने फायर भी करना शुरू कर दिया, तमाम हाईलाइट्स।
500 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। ऐसे में मानव कॉल क्या होगा निफ्टी बैंक पे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कितना और डाउनसाइड आप क्या मान रहे हैं? देखिए जिस तरह बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एवरेजेस ब्रीच किए हैं एंड इनफैक्ट ऐसा देखने को आ रहा है कि जो पैरामीटर्स आई थिंक वो संकेत दे रहे हैं कि फ्राइडे के लोस तोड़ के भी हम वहां से थोड़ा डाउनसाइड देख सकते हैं। सो इमीडिएट बेसिस में 24,900 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। शायद से आज पैनिक जिस तरह हम मार्केट में देख रहे हैं आज ही टारगेट्स अचीव हो जाए एंड अपसाइड अगर कोई एनी पुलबैक आता है सो आई थिंक 25,200 तक के कोई भी पुलबैक में डेफिनेटली बैंक निफ्टी को सेल करना चाहिए। पुलबैक मिल गया तो भी बेच के चले, यहां से और नीचे के स्तर खुलेंगे 24,900 पहला लक्ष्य यहां पे नजर आएगा। और ये जो प्रेशर आया था इसमें हम लोग 11,000 के नीचे स्लिप हो गए थे, 10,999.9 मतलब उसको छुए वहां से कुछ सुधरने की कोशिश हो रही है। तो देखता हूं मनी जो कह रहे थे 11,000 के आसपास शायद एक रिवर्सल हो सकता है, तो मैं क्लीनली वॉच आउट करूंगा अगर ऐसा होता है नहीं होता। लेकिन आप क्विकली कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूं। वायदा में बैन DHFL जिस स्टॉक आज सबके रडार पर है, फ्राइडे के बाद आज बाउंस बैक आया था लेकिन 100% के आसपास वो मार्केट वाइड पोजीशन बिल्डअप होती हुई, तो लाइटली अगर ये ठंडा नहीं पड़ा यहां पे पोजीशंस कम नहीं हुई तो आज शाम को जब खबर आएगी तो बैन में नजर आएगा आपको ये स्टॉक। PNB तो एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड पे खड़ा है 95% पे, तो देखना होगा। लेकिन DHFL लग रहा है बैन में जाने की पूरी तैयारी पर है। वॉकआउट ऑलरेडी बैन में था, ध्यान रखें आपकी इसकी पोजीशन हल्की हो रही है, 84% हो गया है, 80% या उसके नीचे स्लिप हुआ तो ये बैन के बाहर आ सकता है, तो हमें सेकंड हाफ में क्लीनली वॉचआउट करना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा मैं बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं वायदा में कुछ बदलाव होने वाले हैं, आपसे एक्सक्लूजन होने दो स्टॉक्स के, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट तो चलते रहेंगे नवंबर तक, उसके बाद से ग्रैन्यूल्स इंडिया और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि HCC FNO के बाहर जाती हुई नजर आएगी, फिर स्पेस में आपको नजर नहीं आएंगे वो दो स्टॉक्स। और दिसंबर एक्सपायरी ऑनवर्ड यानी कि अभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो खुले हुए सितंबर के, अक्टूबर के और नवंबर के खुले हुए हैं, दिसंबर ऑनवर्ड्स 5 स्टॉक्स और वो फिजिकली सेटल जो करने वाली लिस्ट है उसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। इंडिया सीमेंट्स, कर्नाटका बैंक, PC ज्वेलर्स, साउथ इंडियन बैंक और सुजलॉन, इनको आपको कंपल्सरली फिजिकली सेटल करना पड़ेगा। ये 5 स्टॉक्स और ऐड हो जाएंगे। चलिए FNO की बड़ी बात है आपकी स्क्रीन पर, यस बैंक सबसे एक्टिव, शॉर्ट कवरिंग के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं यहां पे, बहुत तगड़ा प्रेशर आया था याद रखें फ्राइडे को, दरअसल शुरुआत में तो मूड इसी स्टॉक ने बिगाड़ा था, हालांकि अभी भी कोई मीनिंगफुल रिवाइवल स्टॉक में नहीं आया, इस बात का भी ध्यान रखता है आपको। बड़ी सुनिए इसकी बात अनुज कर रहे थे, तगड़ी पिटाई शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, 11,200, 11,300 के कॉल में राइटिंग और 11,000 और 10,900 के पुट्स में खरीदारी होती हुई इस समय नजर आ रही है। आगे बढ़ो उससे पहले आज का चार्ट क्विकली स्क्रीन पर ले आए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चार्ट, नाम ही बता दिया मैंने आपको, आज प्रेशर में है और बात इसीलिए करूंगा इस ब्रेक के उस पार क्योंकि जो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट स्तर थे उसके नीचे का ब्रेकडाउन आपको नजर आएगा। लाइफ टाइम लोस में मेरे ख्याल से जितने सालों का चार्ट मैंने एक्सेस करा जो आज लोस बनाया 330 के आसपास के, मेरे ख्याल से कई सालों में या फिर लाइफ टाइम लोस होंगे शायद, वो मानव बताएंगे आपको। तो ब्रेक के बाद इस चार्ट को डिस्कस करूंगा, मानव की स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और साथ साथ ऑप्शंस में आज की स्ट्रैटेजी। के बाद आपका स्वागत है और आपकी स्क्रीन पर भारतीय बाजार घसप की कमजोरी, 0.25% के दबाव के साथ निफ्टी में हो रहा है इस समय कामकाज, 11,000 के नीचे हम इस समय कर रहे हैं कामकाज और बैंक निफ्टी 2% का दबाव, मिड कैप 3% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए, इस तरह का प्रेशर है। और आपकी स्क्रीन पर यह है निफ्टी के स्टॉक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 12%, बजाज फाइनेंस 7-8% का दबाव, महिंद्रा एंड महिंद्रा तक में 6-6.5% की कमजोरी, स्ट्रॉन्ग बटाई हो रही है और रुपए की कमजोरी कह लीजिए, ग्लोबल सेंटिमेंट जो बिगड़ते हुए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की पिटाई के बाद जो हमारे बाजारों के सेंटिमेंट बिगड़े और खासतौर पे बीते पूरे हफ्ते प्रेशर और फ्राइडे को जो अचानक सेल ऑफ आया था पूरी तरह से मूड बिगड़ता हुआ आज समय नजर आ रहा है। देखते हैं एक प्रेशर कितना और माउंट होता है, कैंड लेवल के आसपास एक माइनर बाउंस बैक होता है जैसे कुछ एक्सपर्ट एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद बाउंस बैक के बाद एक सेल ऑफ वापस कंटिन्यू हो या एक तरफा सेल ऑफ देखने को मिलता है, मूड तो खैर एक्सपर्ट बना चुके हैं ये प्रेशर और गहराने वाला है। चलिए HBL के भी सिक्योरिटी से गौरव बिजनेस आप जुड़ते हुए, गौरव बताएंगे आपको आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी। गौरव भाई गुड आफ्टरनून, बताएं।
देखिए दो स्ट्रेटजीज हैं, पहले अगर बात की जाए तो आईटी स्पेस में जो रिलेटिवली काफी स्टेबल है आज के दिन में, विप्रो अच्छा लग रहा है। अगर आप ओवर एडिशन देखेंगे 13-14% के ओवर एडिशन हुए हैं आज, और डेली चार्ज पर देखेंगे तो कप एंगल का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक बार ये 347-348 की रेंज आपको 2-3 दिनों में देखने मिल जाए, तो आप 340 का अक्टूबर सीरीज कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 18 रुपीज का इसमें टारगेट होगा और 8 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके चलिए, धन्यवाद सर आपका। विप्रो आपने दूसरा भी बता दिया क्या? सन टीवी है, जहाँ पे आज अगर देखेंगे तो थोड़े शॉर्ट पोर्शन क्रिएट हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली 700 के नीचे इसमें मल्टीपल ब्रेकडाउन हुए हैं और अगले से शॉर्ट पोर्शन भी बने हैं, और आज फिर एक ब्रेकडाउन है, 640 का एक क्रूशियल सपोर्ट था, उसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, तो 620 तक के लेवल लग रहे हैं कल तक में आने के लिए, तो आप 620 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं करंट सीरीज का, और 12 रुपए का लक्ष्य होगा, 4 रुपए इसमें स्टॉप लॉस होगा। चलिए आज मैं चार्ट वार्ट छोड़ देता हूँ एक आध स्पेसिफिक स्टॉक की। गौरव आपको क्या व्यू है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर कितना और प्रेशर माउंट होने वाला है, आपका हाउस कॉल क्या है एलकेपी सिक्योरिटीज का? देखिए 11,000 एक क्रूशियल लेवल था, यहाँ पे हमको लग रहा था कि अगर सस्टेन हो रहा था बाउंस पर देखने मिल सकता है, आज अगर डे की क्लोजिंग 11,000 के नीचे होती है स्पॉट में तो पॉसिबिलिटी है जो प्रीवियस जो पैनिक लो था 10,850 राउंड अबाउट का, वो एक बार रीटेस्ट हो सकता है, और 200 DM में जो है वो भी 10,750 के आसपास में है, तो आप कह सकते हैं कि 10,800 मोटा मोटी अगर 11,000 के नीचे क्लोज होते हैं तो वहाँ पे एक बार रीटेस्टिंग हो सकती है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, मानव भी ये बात हाईलाइट करेंगे 10,850 का टारगेट, तो मोटा मोटी जो कह भी रहे गौरव भी 10,800 तक के लोअर लेवल खुलते हुए नजर आएंगे, फिर ध्यान रखें इस प्रेशर में जो दिख रहा है आपको वो शायद और बढ़ता हुआ नजर आए। मैं मानव की वीकली कॉल्स पढ़ रहा हूं, अदानी पोर्ट्स बेचने के मौके, श्रेय इंफ्रा बेचने के मौके, और कर्नाटका बैंक में बिकवाली कर सकते हैं आप। इकलौता बाय कॉल जो मानव की तरफ से वो है IOC ऑयल एंड गैस एसोसिएशन, जान रही कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको खरीद सकते हैं। लेवल्स नोट डाउन कर ले मानव, सॉरी आपकी कॉल्स मैंने पढ़ लिए कि समय खत्म हो गया मेरे पास सर। फ्यूचर एक्सप्रेस लेकिन आज के लिए इतना ही, मानव आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लेकर आऊंगा वसूली भाई।